बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुबीना मोहर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहले से पहले पहुँच जाए। आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा एक फ्रॉक बनाकर दिखाऊँगी। ये देखेंगे, हमारे पास बॉर्डर है, प्रिंटेड बॉर्डर है और उसके साथ हमारे पास ये प्लेन कपड़ा है। ये देखें, ये हमारे पास प्लेन कपड़ा बचा हुआ है, इसके साथ हम इसका फ्रॉक बनाएंगे। फ्रॉक के लिए हमने ये 19 इंच का बॉर्डर निकाला हुआ है। ये देखिए, ये 19 इंच का है पूरा। देखिए, ये 19 इंच का है। इसके साइड में हम ये कलियाँ लगाएंगे। ये हमने राउंड अम्ब्रेला की तरह, जो हम राउंड कटिंग करेंगे इसकी, से राउंड अम्ब्रेला कटिंग करते हैं, करते हैं इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास है, हमने ये 12 इंच का लेना है इस तरह से। अब इसी तरह से हम 12 इंच पर इधर निशान लगाएंगे और एक 12 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे और इधर सेंटर में भी हम, ये देखिए इस तरह से हम ये इधर से कटिंग कर देंगे और इधर से भी हम 1.5 इंच का इस तरह से कटिंग करेंगे। तो हमारा ये अम्ब्रेला, ये देखिए, ये हमने अम्ब्रेला कटिंग कर लिया है। तो ये अम्ब्रेला हम लगाएंगे इस साइड पर, इसके बहुत ज़्यादा घूम हो जाएंगे। इस तरह से ये अम्ब्रेला लगाएंगे और ये हमारे पास 8 इंच की, हमने ये पेटी वाली जगह जो है हमारी 8 इंच की है, तो हमने 8 इंच का ही कपड़ा लेना है। उसी में हम स्लीव्स बनाएंगे और हमारी स्लीव्स कुछ इस कटिंग होकर हम इस तरह से कटिंग करेंगे। ये इस तरह से हम कटिंग करेंगे और इसको अम्ब्रेले को हम बाजुओं के साथ लगाएंगे पहले। ये देखिए, हमने बाजुओं पर सिलाई लगाई हुई है। अब इसको ऐसे सीधा करके ये है राउंड अम्ब्रेले के, अम्ब्रेले को हमने हाफ हाफ कर लिया था। ये देखिए, इसी तरह हम ये इसका सेंटर ले लेंगे, अम्ब्रेले का भी हम यूं सेंटर लेंगे और इसका भी, बाजू का भी। अब इसको हम इधर से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हम सेंटर का जो हमारा पीस है इसमें से हम नेक लाइन बनाएंगे। ये देखिए, इसकी जो नेक लाइन होगी हम, दरअसल ये प्रिंटेड कपड़ा है तो इस पर निशान वाजिया नहीं हो रहे। देखिए, ये हमने नेक लाइन कटिंग की है, बैक की हमने 1.5 इंच रखी है और 2 इंच की चौड़ाई रखी है। जो हम फ्रंट पीस होगा उसकी हम थोड़ी 1.5 इंच और हम देखिए कटिंग कर देंगे इसके। देखिए, ये हमने 1.5 इंच कटिंग कर दी है। और बैक साइड पर हमने इसका बिल्कुल सिंपल गला बनाना है। ये देखें, बैक से हम ये बटन पट्टी वाली जगह बनाएंगे। ये देखें, ये हमने 4 इंच की रखी है। कम से कम बच्चों की 4 इंच लाजमी होनी चाहिए ताकि गला आराम से आ जाए। ये देखिए, इस तरह से हम इसके अब शोल्डर जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये हमारे जो हमने ये कलियां जोड़ी है इस बाजुओं के साथ अपनी, अब इसको हम सेंटर से निशान लगा लेंगे। देखिए, सेंटर से हमने निशान लगा लिया और इसका सेंटर हम रखेंगे और अपना ये शोल्डर
दोनों देखिए ये हमारा ये भी सीधी साइड होगी और ये भी सीधी साइड होगी। अब हम इसे सेंटर से शुरू करेंगे लगाना। ये हम बिल्कुल भी नीचे वाला ऊपर वाला हिस्सा हम बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, खींचने से हमारी सिलाई में झोल आ जाएगा। ये एक हिस्सा जोड़ लिया है इस तरह से। अब आपको हम अब दूसरा हिस्सा भी हम इसी तरह से लगाएंगे। इसका भी हम फ्रंट पीस इस तरह से रखेंगे, ये सेंटर का निशान लगाकर ये दोनों सीधी साइडें हमने इस तरह से जोड़ देनी है। ये देखिए इस तरह से दोनों साइडों पर हम बिल्कुल भी कपड़ा नहीं खींचेंगे। हम इसके घेर पे चाहे तो हम इसके पीको भी करवा सकते हैं और लेस भी लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी फ्रॉक तैयार हो गई है। ये इस तरह से खुले बाजुओं की बनाई है हमने और ये देखिए इसमें घेर कितने हैं, बिल्कुल राउंड अम्ब्रेला, गोल अम्ब्रेला है, बिल्कुल सीधा नहीं है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ हमने ये सिंपल गोल गला बनाया है मगजी वाला, क्योंकि इसके आगे ये प्रिंट है इसलिए हमने कोई डिजाइनिंग वाला गला नहीं बनाया। और वैसे भी गर्मी की फ्रॉक है और इसके बाजुओं पर और इसके घेर पर हमने देखे ये क्रोशिया पीको करवाई है दो कलरों की, ग्रीन और शॉकिंग। और इसके साथ जो हमने ट्राउजर बनाया है ये देखें, इसके साथ हमने ये छोटा सा ट्राउजर भी बनाया है ये इसी कपड़े में से। ये भी हमने खुले पाइंचों का बनाया है, बहुत प्यारा सा पठानी फ्रॉक। अगर हम चाहें तो इसके नीचे टसल्स लगा सकते हैं और भी अच्छी वाली लेस लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। हमने तो ये आपको सिर्फ स्टाइल दिया है। और देखिए ये बचे हुए कपड़ों में से भी हम इतनी प्यारी डिजाइनिंग कर सकते हैं। इससे भी प्यारी प्यारी अगर कपड़ा ज्यादा बचा हो तो बहुत प्यारी प्यारी डिजाइनिंग हो जाती है। ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत 1 साल की बच्ची का ड्रेस तैयार हो गया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।